बात का संविधान में है, उसका महत्व समझाता है। लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है? कहीं पाबंदी है, कहीं प्रवक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। दिलों का भाग्य का जीवन हमें ये समय नहीं देता, और इसलिए साबरमती आश्रम की शताब्दी के पर्व पर और पूज्य श्रीमद रामचंद्र जी के 150 वर्ष मना रहता हिंदुस्तानी के दिलों दिमाग में ये हमारे मूलभूत संस्कार, हमारे मूलभूत परंपराएं, अहिंसा ये हम लोगों का जीव धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे, डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें, मुझे बचपन की घटना याद है, सत्य घटना है मेरे जीवन की। और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। एक समय था जब मुझे लिखने की आदत हुआ करती थी, लिखता था तब मेरे मन में था कभी मैं किसी को लिखूंगा, लिख नहीं पाया। लेकिन आज मेरा मन करता है क्योंकि ऐसी पवित्र जगह है, जिस पवित्र जगह से मन के भीतर की सच्चाई का प्रकट होना बहुत स्वाभाविक है। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है, तो वहां पर बिल्कुल पुराने जैसे जमाने के गांव रहते हैं वैसा ही सटे हुए घर है। हमारे घर के ही नजदीक में सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशंस का काम करता था, एक प्रकार से मजदूरी जैसा काम था। उस परिवार में संतान नहीं था, उनकी शादी के कई वर्ष हो गए लेकिन उनको संतान नहीं था। परिवार में भी एक तनाव रहता था, उनके घर में संतान नहीं है, उनके बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ, वो संतान बड़ा हो रहा था। अब छोटी सांकड़ी गली थी, सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकल के रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते थे, जिनके घर में ये संतान जन्म हुआ था वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद कुछ बच्चों ने फटाके फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही, लेकिन वो गाय हड़बड़ा गई और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3-4-5 साल का हुआ था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।